आपको क्या ही बताऊं। क्रियांश और एक ऊपर से क्रियांश दिन भर रिमोट तो ऐसे वो खाता है कि मैं आपको क्या बताऊं, रिमोट का सारा बटन वो खा गया है। मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको भी रिमोट का बटन भी दिखाऊंगी। उससे पहले मेरी बहुत बड़ी टेंशन है कि खाने में क्या बनाऊं, और जो आटा है वो ख़त्म हो गया है, और अगर मैं अभी फ़ोन करूंगी और उनको बोलूंगी कि आटा ख़त्म हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बना दें। वैसे तो आप लोग को पता है कि हम लोग जो है वो चावल वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो सोचती हूँ कि क्या बनाएं। ब्लॉग से बने रहिए, आप लोगों के साथ तो शेयर जरूर करूंगी कि मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ। तो देखते हूँ, सोचते हूँ उसके बाद। उससे पहले मैं आपको क्रियांश की जो हरकत है ना, इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि जितना भी आपको, ओह शिट, चलो एक तो गिर ही गया। ये जितना भी बटन आप देख रहे हैं ना, फोकस कर यार, ये सारा बटन क्रियांश ने खा लिया, और ये सबको मैंने चिपकाया है, लिटरली चिपकाया ऐसे ऐसे करके, और ये भी रिमोट देख करके आ गया। ये देखिए क्या चाहिए, देखो ये गिर गया है, और ये कैसे कैसे मैंने चिपकाया है पूरा सारा रिमोट, मतलब ये देखो टीवी का रिमोट, मतलब सब रिमोट को ये खा जाता है। मैं क्या बोलूँ, जल्दी से ये बड़ा हो उसके बाद मैं इसको समझाऊँ। तुम इधर आओ, ये रहा ये वो बदमाश लड़का। क्यों खाए रिमोट, क्यों खाए बैटरी, हाई करो, जल्दी हाई करो। ना ना देखो बोल रहा है, क्यों खाए, नहीं बोलेगा कुछ भी, जाओ। तो चलिए देखते हैं कि खाने में क्या बनाते हैं, और कल हमें निकलना है, पैकिंग भी करना है, तो सब कुछ है एक साथ। तो ब्लॉग से बने रहिए, पैकिंग भी करूँगी, सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट करना है क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में निकलना है। यार मेरी आँख इतनी ज़्यादा, तो कल मॉर्निंग में निकलना है, अपने ससुराल की तरफ निकलेंगे, और पटना का आपको दुर्गा का पंडाल दिखाएंगे, देख के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उससे पहले चलिए, पहले सबसे बड़ा काम खाना, रात का खाना क्या डिसाइड, अब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और बज गए हैं 7:30, और 8:30 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, और उनको खाने में कुछ ना कुछ चाहिए। तो चलिए ब्लॉग से बने रहिए, देखते हैं कि क्या बनाते हैं, तो मेरे साथ रहिए। किधर है नोज, किधर है, नहीं बाय बाय नहीं, नोज किधर है क्रियांश का, नोज बता दो, गुड बॉय क्रियांश। आई किधर है, अच्छा इधर 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 देख लो बेटा, हैंड किधर है, हैंड वो तो चिक है, नोज नोज, अच्छा ठीक है। बेबी फिंगर, बेबी फिंगर, वेर आर यू, हियर आई एम, हियर आई एम, हाउ डू यू डू, वाओ मेरे बेटा बहुत सुंदर सा है। अच्छा ठीक है, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग सुगर, No papa, telling a lie. No papa, open your mouth. Ha ha. बोलो क्या दूँ, पानी पीना है इसको भी ना, बाहर देखना, बाहर से पूरा पंडाल का ना आवाज आ रहा है, इसको बाहर जाना है, बट जा नहीं सकते ना अकेले लेके, तो पहले इसको मैं पानी पिला देती हूँ, इधर बैठो। क्या उसको पानी पीना है, मामा पिलाती है पानी, नहीं गैस नहीं, गैस लो नहीं, पहले पानी पियो लो। आज का सारा फ्रेंड्स भी चला गया है ना बेटा, आज प्रियां का सारा फ्रेंड्स भी चला गया है। मैं भी धीरे धीरे ना प्रियांश को ग्लास से पानी पीने की आदत डलवा रही हूँ, उसको आदत है नहीं एक्चुअली में, तो मैं धीरे धीरे आदत डलवा रही हूँ। इधर देखो, हाई कर दो, ओए इधर देखो, वो देखो प्रियांश, मम्मा मम्मा सॉल्यूशन मिल गया है, तो बना लेते हैं फ्राइड राइस। तो मैं फ्राइड राइस कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ में बता रही हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ, पहले मैं चावल बना लूंगी, उसके बाद में सब्जी के साथ फ्राई करूंगी, तो ये प्रोसेस अच्छा भी है और
टेस्टी भी है, और उसमें मैं डालूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो वो क्या होगा वो आप ब्लॉग से बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चले आपको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं और बता देते हैं। तो मैं डालने वाली हूँ सेजवान फ्राइड राइस, उसके साथ जो मतलब फ्राइड राइस होगा ना उसमें सारे जो वेजिटेबल होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत क्रियांश में आजकल ना चावल लेने लगा। तो चलिए आप मेरे साथ रहिए और हम चावल बनाते हैं, और क्रियांश जो है वो अपना राइम सुन रहा है एज यूजुअल। तो चलिए जल्दी जल्दी है जो अपना खाना बनाते हैं। Thank you.
क्या नाम है प्रियांश पूछो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं। बाय बाय एवरीवन।